ask you to go through your next 5 to 10 year plans and with this context after going through our previous lecture which was about a career just try to understand what kind of career path you are picking and what are different goals you have set there for your career there so kasaravou exercise यू टू फाइंड आउट समथिंग गुड इंटरेस्टिंग दे आर टू राइट मी अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज आपने वहां से आपको मिली है तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे लिए भी लर्निंग हो तो लेट्स स्टार्ट अवर टू डेज सेशन तो आज हम अपना पच्चीसवां लेक्चर शुरू कर रहे हैं वाट अबाउट द ट्वेंटी फोर्थ वन वी स्टार्टेड अवर कैरियर कॉन्सेप्ट देयर कैरियर होता क्या है और इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश की एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट इसमें मैंने एक दो किस्म की कैरियर स्टेजेस को डिस्कस किया आपके साथ Though different approaches kisar. Usme jo age factors tha, usko as a standard, don't take it as a standard because it vary from organization to organization. It vary from country to country even. And then we also discuss about the role of HR department. What kind of support they can provide for the career development. उसमें हमने देखा कि वो काउंसलिंग कर सकते हैं एजुकेट कर सकते हैं आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टाइमली आपको दे सकते हैं एंड इवन दे कैन गाइड यू टू डुवेल्व योर ऑन कैरियर प्लान एंड दिस इज गुड बिकॉज दिस इज ए मोटिवेशनल फैक्टर वो कॉन्सेप्ट याद है जब हमने डिस्कस किया था कि वेदर योर ज्वाइनिंग इज

यू आर जस्ट स्टार्टिंग यूर जॉब एंड दूनर यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी एन यू विल दैट वॉज द स्पोर्ट बिकॉज विद द स्पोर्ट विदर फेसिलिटेशन यू आर मोटिवेटिंग यूर एम्प्लॉयज हैव देर कैरियर प्लान और उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ मूवस कौन कौन से इन योर कैरियर वन कैन टेक वो क्या थी उसमें प्रमोशन भी हो सकती है और डिमोशन भी, yes, भी हो सकती है यस इफ यू आर नॉट कमिंग टू द दे कैन ब्रिंग यू डाउन इसी तरह ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर एक सेटअप से दूसरे सेटअप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के अंदर एंड इवन सम टाइम दिट इज गिविंग यून अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर यूर हायर एजुकेशन टू आप किसी ऐसी जगह पर आपकी ट्रांसफर होगी है जहाँ पर इवनिंग क्लासेज होती हैं जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे जो इवनिंग को प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो दिस इज़ अ प्लास थेंग फॉर यू वो खुद बहुत आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आपने वहाँ दाखिला ले लिया वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर लिया तो नेचुरली यू आर एक्सेलिंग इन यूर कैरियर पॉथ एंड एग्जिट निकल जानाइजेशन से इधर वे यूर्ड रिस्ट लेक्टा जोर दिया था डों ग्रांटेडीट्यूशन को छोड़ना ही आपके लिए फायदेमंद है या रिजाइन करना वो एक आस्पेक्ट डिस्कस किया था उन लोगों के लिए जो चैलेंज करते हैं जिनके अंदर गट्स होते हैं रिजाइन आर थैंक यू वेरी मच वी कैन नॉट गोट टूगेदर और कभी कभी लेट्स सी कहीं डाउन साइजिंग हो रही है वो निकलना ही आपका आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और इट इज ऑल्सो इफेक्ट कि जब तक मुश्किल नहीं आएगी जब तक वो हार्डशिप नहीं आती आपको यूनिक काम नहीं कर सकते उसी के अंदर से आप नई चीज क्रिएट करते हैं और एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा जो ह्यूमन बीइंग है ही दे ऑलवेज टेक दैट हार्डशिप दैट टफ टाइम एज अपॉर्चुनिटी फॉर देम क्योंकि वो उनके लिए नई राहें को रहे होते हैं सो दीज आर द डिफरेंट मूव्स वी डिस्कस ड्यूरिंग अवर प्रीवियस लेक्चर

उसके अंदर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं बल्कि उनके लिए रिक्वायरमेंट भी डिसाइड होती है एंड देन यू लुक एट योर इंप्लाइज, योर ऑन वर्क फोर्स एंड सी डू दे क्वालिफाई फॉर द सेम अपॉर्चुनिटीज और याद है जब हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा था सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा था वी ऑलवेज हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ सोर्सेज वी ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटी टू बोथ आउट सोर्स एंड इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स जो होता है और इंटरनल दोनों सोर्स को आप अपॉर्चुनिटी देते हैं और यहां पर आप देखते हैं कि अपने कैरियर अपने जो आपकी वर्क फोर्स है उसको आपने कैरियर प्लान जो किया होता है उसके अंदर यू गाइड दैम कि येस विद सच एंड सच टाइम वी आर प्लानिंग टू हैव सच एंड सच एंड न्यू थिंग इन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दोज वी नीड पीपल हु शुड भी हैविंग सच एंड सच रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड उसमें क्वालिफिकेशन भी हो सकती है उसमें एक्सपीरियंस भी हो सकता है उसमें नई स्किल्स भी हो सकती हैं एंड दिस इज हाउ यू आर नॉट ओनली डेवलपिंग योर ऑर्गेनाइजेशन बट यू आर ऑल्सो डेवलपिंग योर वर्क फोर्स तो ये अच्छे अदारों की निशानियाँ होती हैं ये अच्छे इंस्टीट्यूशन के एक्टिविटीज होती हैं सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज सेशन आज क्या हमने डिस्कस करना है

इफ आई नो दैट दीज आर अर्डल और मैं इसको ओवरकम कर लूं तो चांसेस है कि मैं अपने कैरियर में अच्छी तरह एक्सेल करूंगा इसी तरह अगर आपको मालूम हो जाए कि दीज आर दर्डल विच कैन स्टार्ट यू टू एक्सेल इन योर कैरियर कोशिश करके आप उनको ओवरकम कर सकते हैं लेजटमेड तरीके के साथ लड़की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको इंप्रूव कर लें

और उस तरह के दूसरे किस्म के रिसोर्सेज आपके पास नहीं है तो ये एक हर्डल हो सकती है एक पर्सन के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर देर एम्प्लॉइज सो देट शुड एक्सेल इन कैरियर लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इंडिविजुअली इट इज द सेम इंडिविजुअलीट सी यू थिंक इफ यू गेट दिस डिग्री फ्रॉम सच एंड सच इंस्टीट्यूशन बड़ा अच्छा रिप्यूट है उनका उसकी अगर मेरे पास डिग्री हो तो मैं बड़ी जल्दी अपने कैरियर में आगे अच्छी पोजिशन ले सकता हूं लेकिन अगेन यू माइट फॉर कपल ऑफ इयर्स यू माइट हैव द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा ड्यूज नहीं पे कर सकते ये एक छोटा सा लिमिटेशन बन सकता है आपके जिस कैरियर पर आप जाना चाहते हैं सिमिलरलीट सी विद इन दर्गनाइेशन यूर वर्किंग यू हैव वेरी टाइट स्केडब इज वेरी रिजेट डिमांडिंग

The second approach is no, they say no, we should give them the fair chance. Whatever time they are spending with your organization, you should be wholeheartedly working there. Or get a good chance, why not? Everybody has the right to grow. So leadership depends on the job itself. It is very demanding, very rigid, you cannot get time out to go and get the extra skills, extra knowledge. The department the organization is not supportive. They don't provide you the information. They don't guide you. So that is one limitation which can hinder your career advancement. Similarly, you don't have proper opportunities, career opportunities, and pathway within the organization for employees. Oh, I have seen a lot of time people leave organization because they say. वेरी हैप्पी हेयर वी आर इंजॉइंग बट द थिंग इज वी डोंट हैव वेरी फ्यूचर एक्सपेंशन हेयर आगे कुछ यहां ग्रोथ का चांस नजर नहीं आ रहा और दिस इज वेरी स्ट्रांग मोटिवेशन फैक्टर कि यू वॉन्ट टू एक्सेल इन यूर कैरियर हर कोई चाहता है खूब से खूब तरकी तलाश में और अगर यह भी नजर आ रहा हो कि आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है तो देन इट इज अगेटिव आस्पेक्ट एंड देट इज ऑल्सो वन limitation. Now, what can we do to be successful in your career management practices as an organization, as individuals? As an institution, what can we do? We can put clear expectation on the employees. इधर इट इज द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन इधर इट इज द स्किल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशन आगे जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो उसमें आप बैठ के जब एम्प्लाइज के साथ एम्प्लायर बैठता है या सीनियर बा, इमीडिएट बास बैठता तो वो कहता है ओके वट इज द ऑब्जेक्टिव वट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट ईयर वो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देते हैं अगले दे साल के लिए वो क्यों करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने क्या अचीव करना है उसके अंदर वो कई दफा ऐसा भी होता है कि लिखा जाता है कि इसको ये स्किल इंप्रूव करनी चाहिए अदरवाइज ही या अशीज नॉट एलिजिबल फॉर द प्रमोशन फॉर द एडवांसमेंट सो वट एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशन फील फ्रॉम एनी इंप्लाई इट शुड बी वेरी क्लियरली गिवन टू हिम आर हर एंड देर माइ देर शुड भी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड फीडबैक सिस्टम के साथ साथ जो उसको बताता रहे कि नहीं यू आर न डूंग राइट यू शुड इंप्रूव दिस स्किल बिकॉज हेयर यू आर डेफिशंस तो ये चीज भी अच्छी चीज है आपकी कैरियर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हेल्प करती है यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यूर एम्प्लाइज के दे शुड मूव अराउंड मूव अराउंड मीन उनके पास चांस होना चाहिए कि वो दूसरे सेटअप में इवन जब रोटेशन के तौर पे उनकी लर्निंग होगी अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में वो काम करेंगे या इवन इफ यू हैव योर आउट योर ऑफिस सम इन अदर कंट्रीज गिव दम चांस दैट दे शुड हैव द इंटरनेशनल एक्सपोयर गिव दम चांस द दे शुड गो एंड हैव एन इन दे शुड वर्क इन ए लार्जर

and if you can afford, if you can manage your time, that will be good opportunity for you to prepare you for the next positions, the higher positions, so that you can excel your career. and organizations should help it implies that they should make your career plan. succession, kistra, apne aage, hai? Kis -kis stage, pe? और हर एक की रिक्वायरमेंट क्या साथ होनी चाहिए वो भी पता होनी चाहिए इफ वन नो दैट दीज आर दी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आई कैन हैव बट अटैच विच ऑल दोज थिंग्स आर सच एंड सच टाइप ऑफ स्किल्स नॉलेज एक्सपीरियंसिस वट एवर सन देन इट विल बी इजी फॉर ए पर्सन टू प्रिपेयर हिमसेल्फर हर सेल्फ फॉर दोज पोजिशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लाइज़ को शुरू से उनका कैरियर प्लान भी देती हैं। और हर साल फिर या जब भी उनकी अवेल्यूशन होती है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन होती है दे कीप दैट प्लान इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे सी हाउ ही आर शी इज डूइंग एंड इफ द टाइम दे आर सर्टन चेंजेस एर इवन दैट पर्सन द एंप्लाय द वर्क फोर्स हेम हर सेल्फ दे हैव सेकेंड ऑप्शन दे माइड भी चेंजिंग देयर एरिया उसके मुताबिक फिर कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए जाते हैं के साथ साथ मस्ट बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव ए प्लान ताकि यू शुड भी फोकस एंड यू शुड भी कॉन्सेंट्रेटिंग वट एल्स एंड देन मेक श्योर

आप घर में एक छोटे बच्चे को देखते हैं कि अगर वो शुरू में उसको नहीं पता है कि एक हीटर जल रहा है स्त्री पड़ी है या एक मोमबत्ती जल रही है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जब उनका हाथ जल जाता है तो फिर आप देखें कि वो वो बच्चा भी छोटा था होकर दोबारा उसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि ही नो दैट आर शी नो दैट इससे तकलीफ होती दैट इज वाट इज रिवार्ड इन पनिशमेंट लेट्स फॉर्गेट अबाउट पनिशमेंट हेयर एटलीस्ट देर मस्ट बी रिवार्ड एंड रिक्ग्निशन देयर अच्छा काम करे उसको रिकग्नाइज करना चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए अचीवमेंट किया उसको रिकग्नाइज करना चाहिए और अगर इंस्टीट्यूशन इस चीज को ऑब्जर्व करती है इन चीजों को तो चांसेस ये है कि ना सिर्फ आपके एंप्लाइज की वर्क फॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी बल्कि इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी और इसके साथ साथ वो अपने प्रॉपर कैरियर के अंदर एक्सेल भी करेंगे सो वी शुड इनकरेज दैट परफॉर्मेंस थ्रू रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन हाउ मच यू डिलीवर हाउ मच यू प्रोड्यूस शुड भी रिक्नाइज इंस्टीट्यूशन आप देखते हैं एक छोटी सी एप्रिशिएशन लेटर ही बड़ा काम कर जाता है, ये है वो अपने वीक वो की तस्वीर बाहर लगा देते हैं कि, कितना फर्क पड़ता है बट इट्स वेरी बिग मोटिवेशन फैक्टर एंड कीप दर्फॉर्मेंस इंप्रूविंग सिमिलरली शन प्रोवाइड क्लियर एंड कंटिन्यूसली काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग दैट द वर्क फॉर द पीपल शुड द वर्कर एम्प्लाईज शुड असेस देअ स्किल्स इन ऑफकोर्स देअर कैरियर डायरेक्शन वो एक फिश बोन एनालिसिस उसको कहते हैं कि यह चीज करने के लिए आपको क्या एफर्ट्स करनी है ये पॉजिटिव फोर्स है ये नेगेटिव फोर्स है दोनों को मैच करते जाना आप उसको एक स्वाट एनालिसिस का तरीके से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर और लेन ये सारी चीजें जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके द्वारा होती है साथ साथ एंड गुड इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी गिविंग एंप्लॉइज द टाइम एंड दे नीड टू कंसिडर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स वही बात है कैरियर आग्नेशन डिवेलपमेंट इंडिविजुअल कैरियर डेवेल्पमेंट नाउ दस इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट कैन भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अब इंस्ट्यूशन का यह फर्ज है अदारों का ये हक है उसके फराइज में शामिल है कि दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज गिव दम चांस दे शुड पुट देयर एफर्ट्स टू वर्ड

So what You have the stronger and more effective workforce. So who is going to get the benefit? Yes, organization, but of course the individual too. And as a whole society is getting the benefit. And let's see what is happening at the individual level. Now because that effective workforce is already there, now same time they are not only giving the performance as desired, but they are also, they understand and they monitor what? Career opportunities, successes and failures. Not at an individual level, but up those organization is also monitoring it and facilitating it. So, keeping in view that effect career planning, then they will put extra effort, organization will facilitate them. That person will increase his effectiveness and performance or her performance by learning more skills, by improving his or her qualification, by having the mentoring, do so seek, do so pooch, and ultimately you can have more successful and healthier career organization level, they can have the stronger and more effective workforce. or if individual level, they can have more and successful and healthier career. so see, both parties are getting the benefits. it is the organization development, same time it is the individual development. so it is a win-win situation. what is performance, by the way? so we are done with the carrier part.

उसकी रेलिवेंस समझ नहीं आ रही आपको सब्जेक्ट से आप और जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई चीज भी किसी स्टेज पे ऐसे मत छोड़िए फॉर ग्रांटेड ना लीजिए क्योंकि व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन अल्टीमेटली अगर बुनियादी ठीक नहीं है तो बिल्डिंग की टेरी मेरी हो जाएगी एंड बट रिमेंबर इफ यूर कॉन्सेप्ट आर क्लियर री दैन फिर किसी स्टाइल से भी किसी चीज से भी कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है या आपसे डिस्कस करता है तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट टू आंसर एंड सजेस्ट दैम सो शुड वी स्टार्ट न्यू टॉपिक Do write me if something is bothering you. So we are done with our career part. So let's start our next topic that is performance.

एफर्ट इज़ पुटिंग देयर एबिलिटीजीजीज तो ब, मिलती जुलती भी हो सकती है ना लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके आगे निकल जाते हैं तो क्या ये सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है नो यू माइट हैव एबिलिटी, यू माइट डिलीवर इट तो एक तरीका तो परफॉर्मेंस का समझने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए यह एंड हाउ मच एफर्ट ही देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट दे हैव

किसी जगह कैसे भी टेस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज परफॉर्मेंस लास्ट स्लाइड में मैंने जो प्लाज्मा आपने देखा था, उसमें बताया कि परफॉर्मेंस इक्वल उसी का एक और तरीका इस स्लाइड में देख लें कि परफॉर्मेंस इज फंक्शन ऑफ वट अबिलिटी मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड वट इज अबिलिटी नॉलेज एंड स्किल्स आपने कुछ पढ़ा सीखा और फिर उसको प्रैक्टिस करके जो आपके अंदर एक एबिलिटी आ गई काम करने की उस पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म कर, करें दैट इज योर एबिलिटी और वट इज मोटिवेशन की कितनी एफर्ट कर रहे हैं पीछे थ्रस्ट कितनी एंड वट अबाउट अपॉर्चुनिटी वी माइट वी हैव सीन सो मेनी टाइम पीपल विद गुड एबिलिटी बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज दे आर हैव द मोटिवेशन सम टाइम एंड इवन इफ दे आर द मोटिवेशन दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी तो ऑल थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी भी एफर्ट्स या उसके अंदर मोटिवेशन कितनी है वो भी और अपॉर्चुनिटी भी एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि इवन आपकी एबिलिटी थोड़ी सी एवरेज भी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हो वेरी गुड द टॉप बट ही द अपॉर्चुनिटी सो एट द बॉटम जीरो सो हैव टू एक्सपेक्टिंग परफॉर्मेंस वेन वेइंग द परफॉर्मेंस वी हैज द फेयर परफॉर्म बड़ा अच्छा मकैनिक आया आपके पास बड़ा अच्छा कारीगर है आपके पास लेकिन अगर मशीन ही खराब है उसको सही काम नहीं कर रही तो उसका कोई कसूर तो नहीं हुआ As a manager, this will be our responsibility to see the problem, the so where is the problem, and why we are not getting the best performance. Is it the ability, is it the effort, or the opportunity? And if we can make all these three ingredients available, then performance is there. Tara, usi ek different styles, capacity to perform, that is ability. Isn't it like that? Capacity, when you have experience, hoga. and that is ability. Similarly, willingness to perform.

आपकी टाइमली असाइनमेंट्स देना उनकी ग्रेडिंग ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है आप जिस टीवी को देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? आप कहेंगे ठीक है अच्छी है गलत है इससे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल की आपको परफॉर्मेंस दे रहा तो हम कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं घर में

ठीक काम कर रही है सर्वाइव कर रही है वट अगर तो वहां किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं अगर तो उसका कैश फ्लो कैश फ्लो होती है कि पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है ठीक है यू आर गेटिंग कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो उसको कहते हैं इस सारे प्रोसेस को कैश फ्लो कहते हैं अगर ये काम हो रहा है तो उसका मतलब सर्वाइव कर रही है इसीलिए तो कुछ पैसे आ भी रहे हैं कुछ जा भी रहे हैं खर्च भी हो रहे हैं लेकिन अगर वो मेनटेन कर रही है अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को फिर ये हो सकता है कि उसकी सेल ग्रोथ भी आ रही है क्वार्टरली आप देख रहे हैं और ऑपरेटिंग इनकम इतनी आ रही है कि उस फंक्शन करती रहे तो दिस इज द इंडिकेटर कैट दैट कंपनी दैट ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इन अ वे वेल दैट इट इज सर्वाइविंग इट इज मेंटेनिंग इज पेस इट्स वर्क बट हाउ कैन वी से दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉस्परिंग उसका इंडिकेटर क्या होगा फाइनेंशियल उसकी मार्केट शेयर बढ़ गए उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है जिससे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और उसकी वैल्यू एडिड होती जा रही है तो so, ये इंडिकेटर क्या है दे आर शोइंग यू दिस ऑर्गेनाइजन दिस कंपनी दिस फॉर्म इज प्रॉस्परिंग लेट सी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर कैसे कह सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपका टीवी जो कलर उस वर्थ में उस पैसे में जो आपने खरीदा था जो आपकी एक्सपेक्टेशन उस लेवल को मीट कर रहा है तो आप कहेंगे ये परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन चलते चलते अगर या दूसरे लफ्ज हम इसे कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है अब अगर चलते चलते वो कलर से ब्लैक एंड वाइट हो जाता है उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है और आपको एक छोटा सा उसको मुक्का मारना पड़ता है जर्क देना पड़ता है सो दैन इी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आपका रिजल्ट गाड फॉर बेट अच्छा नहीं आ रहा है तो क्या होता है फिर आपके पेरेंट्स भी आप पे सख्ती करते हैं कि देखो पढ़ो वरना फलां आपके जो चीज़ें बंद

वो भी आपके लिए कहे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है लेट्स टेक सम एग्जाम्पल नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो आपकी सेल बढ़ रही है दैट इज इंडिकेटर कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है प्रोडक्ट के से लोग ले रहे हैं सेल डिक्रीज हो रही दैट इज नेगेटिव एस्पेक्ट कस्टमर आपको बता रहे हैं कि नो दैट इज नॉट वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग और इस प्राइस के अंदर ये चीज हमें सूट नहीं करती वैल्यू क्या है आपकी कस्टमर विल डिसाइड प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है आर दे विलिंग टू पे हायर साइड आर दे आर विलिंग टू पे एट द दिटे लो लेवल साइड अगर हाई प्राइस पे देने को तैयार है कस्टमर इसका मतलब है वो आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट या उसको वैल्यू दे रहे हैं उसकी परफार्मेंस को अच्छी परफॉर्मेंस समझ रहे हैं इस तरह ब्रांड लॉयल्टी होती है मार्केटिंग में पढ़ाते हैं कि पीपल डिमांड कि नहीं मैंने कहा ना मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए एंड दैट इज दे वन मैसेज फॉर यू कि दे आर सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट विद योर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड दे आर ब्रांड लॉयल तो परफॉर्मेंस इसी तरह जज होती है ना इसी तरह कस्टमर कितने सेटिसफाई हैं आपसे वो फिर आते हैं दोबारा आपके पास खरीदने को सिमिलरली कितना टाइमली आप उसको वो तो चीज अवेलेबल करते हैं किस तरह उसको आप जो है अगर उस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह आप उसको फिक्स करते हैं दीज आर द फ्यू थिंग्स कैन गिव फेयर आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर आर द बॉस इसी तरह जो सक्सेस है इनोवेशन है इसके बारे में कैसे आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है लीडरशिप के हवाले से देखते हैं अगर तो आपके लोग तो आपके साथ काम कर रहे हैं वो लर्न कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ और तो इीन आपकी लीडरशिप ठीक है एंड दे ऑलवेज से दैट द डे पीपल स्टॉप कमिंग टू यू इफ यू आर ए लीडर इफ यू आर ए बॉस दैट इज अ डे यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट डे वाई बिकॉज इधर दे हैव फेथ ऑन यू कि आप तो कुछ भी नहीं कर सकते आप किस तरह के लीडर हैं कैसे बॉस हैं कैसे है उनको गाइड करेंगे आर दे डोंट नीड यू एनी मोर यूर नॉट सॉल्विंग दियर प्रॉब्लम्स इन इधर केस दैट इज योर फेलोअर एज ए बॉस एज ए लीडर एज ए टीचर इवन अगर आप मुझसे नहीं पूछेंगे इसका मतलब है आपको बिलीव है कि मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सक रहा या आप समझते हैं कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो दोनों केसेस में फिर मेरी वाकई जरूरत नहीं है सेम थिंग इज विद द लीडरशिप उसकी परफॉर्मेंस किससे जज होती है अब इसको अभी मैं लीडरशिप और उस चीजों को मिक्सअप नहीं करूंगा इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है हमारा स्टाफ स्टेबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी एक इंडिकेटर है कि उस आर्गनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है इफ़ द टर्न ओवर रेट इज लेस यू नो वट इज टर्न ओवर रेट लोग आते जाते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए जो शुरू की छोड़ दिया अब चाहिए और चले गए इफ द टर्न ओवर रेट इज हाई इट इज अ बैड सिग्नल बैड इंडिकेटर उसका मतलब वहाँ लोग सेटिस्फाई नहीं है कितना अरसा वहां से लोग नहीं छोड़ जाओ तो इसका मतलब है दे आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन दे आर सेटिस्फाइड विद देयर बॉस दे आर सेटिसफाइड देयर मैनेजमेंट तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना इसी तरह इनोवेशन जो आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कंटिन्यू पे एफर्ट हो रही है ये भी एक इंडिकेटर है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेट्स सी बिजनेस की ऑपरेशन लेवल पे हम देखते हैं ये सारे इंडिकेटर बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको क्लियर किया जाए कि परफॉर्मेंस होती क्या है और खाली हम एक परफॉर्मेंस के एक साइड को ना देखें बल्कि इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की कोशिश करें और इट वेरी फ्रॉम किस की बात कर रहे हैं कस्टमर की बात कर रहे हैं ऑर्गनाइजेशन की बात कर रहे हैं किस चीज़ की और उसके किस चीज़ के पैरामीटर के साथ उसको आप चेक करेंगे हाउ कैन यू सी दैट उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट है वो बड़ी एक्सीलेंस है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अगर तो उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल उसमें एफिशिएंट है इफेक्टिव है टाइम वेस्ट नहीं होता उसकी यूनिट कास्ट कम से बड़ी अप्रोप्रिएट है बेंच करते हो ना आप उसको वेस्टेज कम हो रही है तो हम कहेंगे कि वो परफॉर्मेंस उसकी उस यूनिट जो है उसकी मैनुफैक्चरिंग परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट अगर तो वो टाइम भी ज़्यादा लेता है वेस्टेज भी ज़्यादा होती है और उसको मार्केट तक पहुंचाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर इसका मतलब द प्रोसेस इज नॉट गुड समथिंग इज मिसिंग समवेयर इसी तरह किस चीज़ को डिज़ाइन को देखते हैं कि उसका डिज़ाइन कितना अच्छा है उसकी परफॉर्मेंस उसके डिजाइन पे भी इफेक्ट कर रही होती है इट्स अदर वे अराउंड उसकी डिजाइन जो है उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा होता है अगर तो वो एफिशिएंट है देन वी कैन से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है बड़ा जितना मर्जी खूबसूरत हो जितना मर्जी उस पर आपने पैसा लगाया इट इज नॉट परफॉर्मिंग इन एफिशियंट प्रोडक्ट इन डिजाइन सो आई बिलीव यू हैव नाउ फेयर एनफ गुड आइडिया अबाउट वट इज परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस क्या चीज है उसके लिए एफर्ट चाहिए और क्या चाहिए उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसके लिए एबिलिटीज चाहिए नॉलेज एंड स्किल और फिर जब वो होगा तो फिर आप उसका कहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस हुई और परफॉर्मेंस के बेस पे देन यू कैन हैव दी आउटकम्स दैट कैन बी इन ए प्रोडक्ट शेप इन द सर्विस शेप ऑफ वट क्लियर तो क्या हुआ कि मोटिवेशन मीन एफर्ट कितनी डाल रहे हैं आप उसके अंदर कितना मोटिव पीछे उसके ड्राइव कितनी है And the kind of ability you have, or in a particular environment where you have the sport or opportunity, Is salary is a milk cake for farmers. And that performance will Either it is a good performance or a bad performance. That can be a product, that can be a service, whatever. Now, how it is relevant with our subject? आए वो आर स्टार्टिंग दिस परफॉर्मेंस एर क्योंकि वो आर डीलिंग विदेश और उसके अंदर हमने देखना है कि ये परफॉर्मेंस मैयर भी तो करते हैं ना लेट्स गो एंड सी फर्स्ट दैट इन्फ्लुएंस वेदर परफॉर्मेंस विल बी सस्टेन आर नॉट अब ये तो नहीं है हमने तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह देखना है कि सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपसे कहा था कि टीवी आपने ऑन किया वो देख रहा है आप देख रहे हैं अच्छी है, पिक्चर भी आ रही है कलर भी अच्छा है आवाज़ भी है थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है तो फिर थोड़ा सा आप उसको लगाते हैं अब हिलाते है, जुलाते फिर चल पड़ता है तो ये तो परफॉर्मेंस ना हुआ अब थोड़ी देर पहले उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अभी ख़राब हो गए फिर थोड़ा सा उसके साथ कुछ करेंगे फिर ठीक हो जाएगा तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वही अच्छी है जो सस्टेनेबल हो वो कैसे हो सकती है फ आगनेशन कैन हैव द वैलड परफॉर्मेंस मैयर मेट प्रोसीजर्स हो आप मॉनिटर करें मैयर करें कि परफॉर्मेंस साथ साथ देखते रहें एंड यू कैन हैव द कोई सजा और जजाव वाला कॉन्सेप्ट भी साथ हो अच्छी परफॉर्मेंस हो रिवार्ड दीजिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रिवार तो रिवार्ड रोक लीजिए इवन यू कैन हैव द पनिशमेंट तो कॉन्सिक्वेंसिस का पता होना चाहिए इफ आई डू दिस गुड

यस डू इट तो ये सारा कुछ करने से क्या होगा यू कैन हैव द बेटर जॉ परफॉर्मेंस वेन वे टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई डू वी द परफॉर्मेंस ऐसे जाने दे क्यों आपके एग्जाम्स होते हैं क्यों आप असाइनमेंट जमा कराते हो क्यों आपकी ग्रेडिंग की जाती है सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन वी डू दी परफॉर्मेंस ऑफ पीपल सो दैट वी शेयर इनहांस द मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस मयर होगी अच्छी परफॉर्मेंस को रिवार्ड मिलेगा रिकग्निशन होगी तो दूसरे देखा देखी भी आगे बढ़ते हैं और जो आप वैलिडेट कर रही हैं चीजों को उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है मशीन इंप्रूव करनी है प्रोसेस को ठीक करना को है स्किल्स को इंप्रूव कराना है इनकी ट्रेनिंग दिलवानी है वॉट एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स व इज द इश्यू इज दिस इक्विपमेंट इज द स्किल डेफिशिएंसी आर द मोटिवेशन फैक्टर्स आर द अपॉर्चुनिटी िएटिंग द प्रॉब्लम एंड यू नॉट गेटिंग अप टू मार्क रिजल्ट उसके लिए भी आपको मेयर करना जरूरी है इसी तरह अगर कोई चेंज आ रही है तो उस चेंज को अवेल्युएट करने के लिए भी अवेल्युएट करना जरूरी है कि क्या अडाप्ट होगी कि नहीं लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू द बेसिस फॉर द मेकिंग डिशीज डिसउट वॉट

ज एवरेज इज बिलो एवरेज क्यों ताकि उनको देखा जाए कि उनमें उनको ही मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और फिर ऑफ ऑफकोर्स वेन यूर इफ इफ संबर्ड इज डूइंग गुर जाब हिशी वाइट बी गेटिंग बेटर सेल बेटर रिटर्न और आपके पास कोई बेस तो हो ना बेटर रिटर्न किस पे दे रहे हैं उसको ताकि कल कोई लीगल प्रॉब्लम आता है तो उसको जस्टिफाई कर सके आप और मैयर क्या करते हैं आप हर एक जो प्रॉपर वर्क होता है जॉब होती है उसको उसी की परफॉर्मेंस जो है ना डायमेंशन उस पर एवेल्युट किया जाता है जैसे मैंने आपसे कहा कि टीवी इसकी वो जो पिक्चर ट्यूब है पिक्चर है उसकी कलर्स है उसकी साउंड है एक पेन लेके यूज करते हो उसका लिखना क्योंकि तो उसका काम लिखना है ना उसको वो देखना है आपने मेयर करना है तो दिस इज ये हम आगे चल के इन चीजों को डिस्कस करेंगे लेट्स सी हाउ वी कैन मैनेज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बेसिकली मीन ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट कैसे बाई अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग परफॉर्मेंस विद इन एन एग्रीड फ्रेमवर्क कि आपको ये ये फैसिलिटी दी जाएंगी आपने उसके अंदर ये ये परफॉर्म करना है और प्लान गोल होते हैं और उसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं And it is a process to establish a shared understanding about what is to be achieved and how it is to be achieved, and an approach to managing and developing people. Why? That they will be, you can achieve through this. You have to tell them what you expect, what is the requirement, and what parameter you have to check. This is the process of performance management. So, what is the goal?

You are by training, by development, by giving them motivation, by facilitating, and it is an ongoing process. And that is performance management. Let's stop it here and see what we have covered so far. Quickly, we started with the what barriers in the career management career advancement in the organization and then uh, we try to discuss the performance and i hope you are clear with the performance part or performance management kya hoti hai? And that was our today's subject for next time inshallah we'll try to cover this performance appraisal part which is very important activity of hrm उसके लिए ज़रूरी है फिर वही बात कि आप इसको पढ़ के ज़रूर आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एच की इसी पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं तो आपका पढ़ना ज़रूरी है और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप इसको अच्छी तरह देख के आएंगे अल्लाह हाफि अलकुम